नमस्कार। 3 नवंबर 2023 आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके इस जन्मदिन पर आपको ढेर आशीर्वाद, ढेर सारी लक्ष्मी की प्राप्ति कराएं। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि 3 नवंबर को आपका अगर बर्थडे है तो आज आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से लाभ की प्राप्ति होगी और क्या करने से सबसे बड़ा नुकसान, और सबसे उत्तम वाली बात, ये साल आपका कैसे जाने वाला है, इस साल में क्या योजनाएं आपने बनाई हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार जिस दिन आपका बर्थडे होता है उसी दिन से आपका नया साल प्रारंभ हो जाता है। तो 3 तारीख नवंबर 2023 आज आपका बर्थडे है। आज आपको सुबह स्नान आदि करने के पश्चात दूध से मिश्रित मिष्ठान आपको लेना है और ले जाकर के नारायण लक्ष्मी मंदिर में या आपके घर में भगवान नारायण जी, लक्ष्मी जी दोनों को भोग लगाएं, तत्पश्चात उनकी आरती करें। प्रथम दर्शन आपको उन्हीं का करना है। इतना करेंगे तो पूरा साल आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की और भगवान नारायण देव का पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं कैरियर में या लाइफ में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, मैं आपको पूर्ण रूप से बोलता हूं कि परिवर्तन आपका होकर रहेगा। बहुत सुनहरा मौका आपको मिलने जा रहा है। स्थानांतरण कोई करना चाहते हैं 100% होगा। यह परिवर्तन आपके लिए बेहद सुखद रहेगा। नौकरी पेशे वाले हैं, कोई नौकरी में चेंज चाहते हैं या व्यापार में कोई बदलाव, बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, तो ये साल आपके लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है। और ख़ास करके आज के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, नॉनवेज मदिरा का सेवन अगर करते हैं तो इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें लक्ष्मी की हानि हो सकती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपका खराब होगा और सेहत भी आपकी खराब हो सकती है। सेहत इतनी खराब हो सकती है कि जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के योग आपकी इस वर्ष में आपके लिए बन रहा है तो इसका पूर्ण रूप से आप फायदा उठा सकते हैं। जरूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र दान आज आपको करना चाहिए। अपनी बड़ी बहन को भी दान आपको करें, उनका आशीर्वाद आपको लेने से आज आपका दिन और पूरे साल का दिन जो है आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है, क्योंकि 3 तारीख का जन्मा हुआ बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है, डिसीजन लेने में थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, डबल माइंडेड हो जाता है। अगर ग्रह दशा की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। और आपको आज के दिन पूर्ण रूप से प्रसन्न चित्त रहें, खुश रहें, निगेटिव चीज़ें अपने मन में बिल्कुल ना ले आएं, और आप खुद देखिएगा कि पूरे साल आपके मन में नकारात्मक विचार नहीं होंगे, निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव सोच नहीं होगी, पूर्ण रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। नमस्कार।